बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शेर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और पेपर्स की तैयारी भी भरपूर कर रहे होंगे। पेपर्स सर पे हैं तो मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगा कि इस खास ड्यूरेशन में आप लोग इतनी मेहनत करते हैं कि जिस दिन पेपर होता है उसे एक रात पहले अपनी नींद का भी ख्याल नहीं रखते, तो प्लीज़ अपनी नींद का ज़रूर ख्याल रखना आपने, ताकि जिस दिन आपका पेपर हो आप बड़े बेहतरीन अंदाज से पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको पेपर्स में कामयाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सामिया सामिया सर्वर एंड आई एम सर्विंग हेयर इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ परमानेंट लेक्चरर। एज यू ऑल नो, दी हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन आर द की फैक्टर टू सक्सेस। माई मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू इज टू स्टे मोटिवेटेड एंड कीप योर गोल्स हाई। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड लक फॉर योर अपकमिंग मिड टर्म एग्जाम्स। और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किस तरीके से करें ये तो आपको सभी बताते होंगे कि अच्छा जी आपने रिवाइज करना है, ब्रेक डाउन करना है अपने लेसन्स को और दिन रात आपने सिर्फ पढ़ना है। लेकिन एक और पहलू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू स्टे मेंटली एंड फिजिकली फिट इन ऑर्डर टू परफॉर्म गुड इन एग्ज़ाम्स। इसके अलावा अपने आप को मेंटली किस तरीके से आप फिट रख सकते हैं, अपनी नींद को पूरी करें। अक्सर लोग रातों को पढ़ते हैं और रातों को जागना शुरू कर देते हैं और अगले दिन पेपर देने चले जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपने सब कुछ कवर किया हुआ है, आपको सब कुछ याद है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो तब आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चीज़ें भूलने लग जाता है इंसान। जब तक आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होंगे आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जितना जो आपके हाथ में है, जितनी कोशिश आप कर सकते हैं आप करें, उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अंबर ब्लोच एंड आई एम लेक्चरर एट द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। मेरा सब स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये सजेशन है कि आप आफ्टर कोरोना ब्रेक लॉकडाउन के बाद ये फर्स्ट ऑन कैंपस एग्जामिनेशन है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी है और अवॉइड करना है अननेसेसरी एक्टिविटीज़ से, और थोड़ा सा जो अपनी लर्निंग जो स्ट्रेटजी है वो आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। लाइक आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, उसके थ्रू स्टडी करें, राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करें, और थोड़ा सा आप जो पास्ट पेपर्स हैं अपने वो दोबारा से आप अटेम्प्ट करें, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो और आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अपना पेपर कम्प्लीट करने के काबिल हो जाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।